गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शादी पार्टी में जाने से पहले ऐसा क्या लगाएं जिससे कि आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा गोरा हो जाए। इसका स्किन वाइटनिंग फेस पैक जो कि हम पॉन्ड्स पाउडर से बनाएंगे जो कि बहुत ही आपको इंस्टेंट लुक देगा। फ्रेंड अगर आपको किसी शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, किसी स्पेशल ओकेजन में जाना है बट आपके पास टाइम नहीं है पार्लर जाने का, या आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप पार्लर जाएं और वहां से फेशियल करवाएं, तो आज मैं आपके लाई हूं एक इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग फेस पैक जो कि आपको बहुत ही अच्छा एक इंस्टेंट ग्लोइंग एंड फेयर लुक देगा। हम फ्रेंड सभी चाहते हैं अगर हम शादी पार्टी या किसी स्पेशल ओकेजन में जा रहे हैं तो हमारा चेहरा काफ़ी फेयर लगे, गोरा लगे और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग लगे ताकि सबकी नज़रें आप पे हो। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही फेस पैक लाई हूँ जिससे हम पॉन्ड्स पाउडर से बनाएंगे जो कि हमें देगा इंस्टेंट ग्लोइंग एंड फेयर लुक। तो फ्रेंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि कौन सा स्किन वाइटनिंग ऐसा फेस पैक है जिससे हमें इंस्टेंट फेयर एंड ग्लोइंग स्किन मिल सकती है। तो फ्रेंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड सबसे पहले हम साफ बाउल ले लेंगे और फ्रेंड हमें चाहिए होगा पॉन्ड्स पाउडर। आप चाहें तो कोई सा भी कलर का पॉन्ड्स पाउडर ले सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी बेबी पाउडर भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे मैं पॉन्ड्स पाउडर ले रही हूँ। हम यहाँ पे एक चम्मच डाल देंगे, एक चम्मच भर के डाल देंगे पॉन्ड्स पाउडर। अगर आप हाथों पैरों पर भी लगा रहे हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ फेस के अकॉर्डिंग ही ले रही हूँ पॉन्ड्स पाउडर। तो 1 टेबल स्पून हम ले लेंगे इसमें। और फ्रेंड हमें चाहिए होगा शहद लगभग 1/2 टीस्पून। अगर आपको शहद सूट नहीं करता या आपके एक्ने प्रॉन स्किन है तो आप शहद को स्किप भी कर सकते हैं। सेकंड है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज करता है और बहुत ही ज़्यादा फेयर एंड ग्लोइंग और खूबसूरत बनाता है। तो यहाँ पर हम भी डालेंगे 1/2 टीस्पून ग्लिसरीन। पर अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं या बहुत ही कम डालें। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, तो आप 1/2 टीस्पून से भी कम डालें अगर आपकी ऑयली स्किन है, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप 1/2 टीस्पून से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून ही ग्लिसरीन। और फ्रेंड जो हमारा लास्ट इन्ग्रीडियंट है वो है एलोवेरा जेल। आप चाहें तो पतंजलि का ले सकते हैं या आपके पास जो भी एलोवेरा जेल हो आप ले सकते हैं। इसमें केसर चंदन वाला भी आता है, आप वो वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्रीन वाला ले रही हूँ। हम यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप 2 टेबल स्पून डालें, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप 1 टीस्पून ही डालें। हम डाल देंगे 1 टीस्पून ही एलोवेरा जेल। फ्रेंड सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। मैं इसमें थोड़ा सा और एलोवेरा जेल डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। हमारे जो फेस पैक की कंसिस्टेंसी है वो ना थिक होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा हम एलोवेरा जेल डाल के इसमें अच्छे से एक फेस पैक बना लेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा फेस पैक तैयार है, अब हम इसे अपने फेस पे लगाएंगे। इसे लगाने से पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लें क्लेंजर से या फेस वॉश से। आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा कि शादी पार्टी में जाने से पहले ऐसा क्या लगाएं जिससे कि आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा गोरा और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाए। इट्स अ स्किन वाइटनिंग इंस्टेंट फेस पैक जो कि हमने पॉन्ड्स पाउडर से बनाया है। अगर आपके पास पॉन्ड्स पाउडर नहीं है तो आप कोई सा भी बेबी पाउडर, कोई और टैल्कम पाउडर भी ले सकते हैं। ये अगर आपको इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग का है एक ये फेस पैक है, अगर आपको किसी स्पेशल ओकेजन में जाना है तो आप ये फेस पैक ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने इसमें डाला था हनी जो कि हमारे चेहरे को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है, और मैंने इसमें डाला था ग्लिसरीन। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और मैंने इसमें डाला था एलोवेरा जेल। आप चाहें तो एलोवेरा जेल डालें, आप चाहें तो रोज़ वाटर डालें, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें दही या कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। उसमें मिक्स करके आप एक थिक फेस पैक लगाएं, उसे ड्राई होने दें। फिर जब ये ड्राई हो जाएगा तो रोज़ वाटर से, टोनर से या नॉर्मल पानी से मसाज करें और उसके बाद इसे वॉश कर दें। तो फ्रेंड आई होप मेरा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इट्स अ स्किन वाइटनिंग फेस पैक, तो आपको जब भी ये लगाना हो शादी पार्टी में जाने से पहले तो आप ये फेस पैक ट्राई कर सकते हैं।
सो अगर वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, और अगर मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो आप देख पाएं। सो मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई होम रेमेडी, नए DIY, नए किसी स्किन केयर के साथ। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।